चार बजने को हैं, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में चुनावी आहट होने के बाद सियासत तेज होती जा रही है। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनावी प्लान पर भी तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ओम प्रकाश राजभर के साथ हाथ मिला सकते हैं। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि पश्चिम बंगाल को लेकर जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, उनको लुभाने के असदुद्दीन ओवैसी की यह कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या है असदुद्दीन ओवैसी का आगे का प्लान, इस पर बातचीत की है हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने। सुनिए। ओवैसी साहब लखनऊ आए और तमाम पार्टी के लोगों से मुलाकात की, क्या है इसके मायने? हमारे साथ खुद ओवैसी साहब हैं। ये बताइए, आप यूपी की राजनीति में 2022 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, क्या सबसे बड़ी वजह लगती है आपको? नहीं देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमने पाँच साल पहले भी हमने चुनाव लड़ा था, हमको कुछ कामयाबी नहीं मिली, तो उसके बाद हमने अपने संगठन को काफ़ी मजबूत किया, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में हमने कामयाबी हासिल की बाद में, तो उसी का एक सिलसिला है। हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और यूपी के विधानसभा में हमारे कैंडिडेट्स को जिताकर विधायक बनाकर भिजाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात हुई, क्या कॉन्क्रीट बात हुई कुछ आपने? उनका जो मोर्चा है भागीदारी, और उनके साथ हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और हम समझते हैं कि जितना जो वंचित समाज है उन सब का एक जगह जमा होना, मिलना बहुत अच्छी बात है। शिवपाल यादव जी से भी मुलाकात होनी थी, बातचीत होनी थी, क्या रहा, क्यों मुलाकात नहीं हुई, या क्या आगे कोई प्लान? नहीं, जनाब शिवपाल यादव साहब से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने आज से 8 दिन पहले उनसे मुलाकात की। मैं दोबारा लखनऊ आऊँगा या दिल्ली में उनसे मेरी मुलाकात होगी बराबर। वो यूपी के बहुत बड़ा चेहरा है, सियासी चेहरा है, बड़ा उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ज़रूर हम उनसे मुलाकात। इन दोनों लोगों से ही आप सियासी गठबंधन करेंगे आने वाले वक्त में? नहीं, पहले तो मैं जनाब शिवपाल यादव साहब से मुलाकात करूँगा और फिर आपके सवाल का जब भी जवाब दे पाऊंगा। ममता बनर्जी जी ने बड़ा अटैक किया कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं और इसीलिए यहाँ वोट काटने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है बहुत ही वाहियात किस्म का बयान दिया है। मैं मुख्यमंत्री मगरबी बंगाल को कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर खरीद सके। ममता बनर्जी गुरूर और अहंकार का शिकार होकर इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कर रही हैं। उनको अब तक अपनी ज़िंदगी में मीर जाफर और मीर सादिक से वास्ता पड़ा है, उनको अभी तक कोई एक सच्चे मुसलमान से वास्ता नहीं पड़ा है। अब उनको मालूम होगा कि चापलूसी की जो सियासत वो कर रही हैं, और मुसलमानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया, बंगाली मुसलमानों को, इसीलिए वो इस तरह की बकवास कर रही हैं। और ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि मगरबी बंगाल का वोटर किसी की जागीर नहीं है, और उन्होंने बिहार के जो वोटर्स ने हमको वोट दिया उनकी तोहीन की है, और उनको इस बात का नोट लेना चाहिए। और ये इनको जेब नहीं देता था कि एक मुख्यमंत्री के अजीम ओहदे पर रहते हुए इस तरह की वाहियात किस्म की गुफ्तगू करें। बिहार से जिस तरह से आपको रिस्पांस मिला, क्या लगता है यूपी का भी उसी तरीके के मुस्लिम्स की या आपके जो वोटर्स हैं कोर वोटर्स, उनकी समस्या वैसी ही है, और किस तरह की सफलता देखते हैं आप? देखिए, यकीनन मैं बिहार की जनता का और ख़ास तौर से सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी दुआएं और मोहब्बतों आशीर्वाद की बिना पर अल्लाह के फजल करम से हमको वहाँ कामयाबी मिली। यकीनन हमारे हौसले काफ़ी बुलंद हुए हैं और हमको बड़ी खुशी भी हुई है, मगर यूपी एक अलहदा स्टेट है, यहाँ का चैलेंज अलग है। हम उस कामयाबी को यकीनन जारी रखना चाहेंगे, और हमारे शौकत साहब की ज़ेर क़्यादत पूरी टीम यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, हमको उम्मीद है कि यहाँ पर अच्छा नतीजा निकले। केजरीवाल साहब ने अनाउंस किया कि वो यूपी में 2022 का चुनाव लड़ेंगे, आपने भी अनाउंस कर दिया, क्या आपको ये उम्मीद है कि कुछ ज़्यादा चमत्कार दिखा पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज वोट काटने के अलावा कुछ नहीं हो पाएगा ज़्यादा? देखिए, ये बात तो ऐसा लगता है ना कि मैंने पहले भी कहा कि भारत की सियासत का मुझे लैला बना दिया गया है और बहुत से हमारे मजनू हैं, तो यही बात वोट कटर की कही गई, जो जिन्होंने वोट कटर कहा बिहार की जनता ने उनको सबक सिखा दिया, तो ये इल्ज़ाम गलत है। चाहे यूपी हो, बंगाल हो, हम तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े ही नहीं,
वहाँ पर बीजेपी एनडीए कैसे जीत गई, इसका इस सवाल का जवाब कोई देता नहीं है। इल्ज़ाम लगाने वाले जो हैं, इस सवाल का जवाब देना चाहिए। लेकिन मुस्लिम्स के मामले में माना जाता है कि हर कोई इनका इस्तेमाल करता है, हित कोई नहीं करता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या आपकी बात करें तो भी सवाल इसी बात पर उठते हैं। देखिए, जहाँ तक इस्तेमाल की बात है तो मैं, मेरी पार्टी से ना तो कोई मुख्यमंत्री बना है, ना मेरा कोई MLA रहा है बंगाल में या यूपी में, ना कोई प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर बना है। आखिर फिर क्या वजह है कि सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हो, NSSO का डेटा हो, या 2011 का सेंसस हो, मुस्लिम माइनॉरिटी उन स्टेट्स में जहां पर MIM ने कोई पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ा, ना हमारा कोई MLA बना, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज बैकवर्ड क्यों है? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने सेकुलरिज्म के झूठी बातों पर वोट तो हासिल किया, मुख्यमंत्री तो बन गए, डिफेंस मिनिस्टर बन गए, क्या क्या बन गए, मगर कुछ किया ही नहीं। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब तो और साथ ही साथ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कहाँ पर हो रहा है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी तो नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए उनको हम आईना दिखा रहे हैं, इसलिए बोकलाहाट का शिकार होकर एक ही 1 पॉइंट फार्मूला है, वोट काटनिया है। भाई, जब लोकसभा के चुनाव में हमने नहीं लड़ा तो कैसे जीत गए बीजेपी? लेकिन जब ओवैसी साहब के पीछे सारे पार्टी वाले पड़े हुए हैं, तो जब कहीं भी आप सफलता हासिल करते हैं तो क्यों नहीं मुस्लिमों के हितों को लेकर के, या सीटें जो जीतते हैं उनके हितों के फिर नेगोशिएट करते हैं आप भी? क्यों नहीं करेंगे? आपको क्यों लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करेंगे? हम सबकी बात करेंगे। सीमांचल का जो बिहार का इलाका है, वो भारत का, अगर आप 10 पिछड़े डिस्ट्रिक्ट लेंगे तो उसमें से वो 4 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। तो सीमांचल की जनता ने जो हमको वोट दिया उसमें तो सब शामिल है हम, और वहाँ की पसमानदगी और नाइंसाफी को दूर करना ये हमारी पार्टी का बहुत बड़ा मकसद है, उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। एक और आखिरी सवाल, यूपी में किस तरह की आप उम्मीद करते हैं, क्या दिखता है आपको आने वाले चुनाव में? नहीं, यूपी में हमारे को यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छा प्रदर्शन होगा, हमको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हम सिर्फ इलेक्शन के बाद भूल नहीं गए, बल्कि यूपी को आते रहे, यूपी में यहाँ पर काम हो रहा है, और हमको यकीन है कि यूपी की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी मोहब्बतों से नवाजेगी। केजरीवाल जी जो कह रहे हैं यूपी में इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी कोई भविष्य नहीं? ये तो उनकी पार्टी का, मैं कैसा तबसरा करूँ? ये असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो बता रहे हैं कि यूपी में तमाम चीज़ें हैं वो अलग हैं भले और दूसरी जगहों से, लेकिन उनको उम्मीद है कि यूपी की जनता उनको सपोर्ट करेगी, और उसी की तलाश में यहाँ छोटी छोटी पार्टी से मिल करके यहाँ चुनाव की संभावनाओं को देखने के लिए आए थे। लेकिन इतना बात तो तय है कि ओवैसी के मौजूदगी से यहाँ पर तमाम लोग चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन सियासी हलचल और तेज हो गई है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। 16 से 18 फीसदी के बीच मुस्लिम वोटर हैं उत्तर प्रदेश में, 403 सीटें, वहां पर अब अपने उम्मीदवारों को उतारने का प्लान बनाने के लिए पहुंचे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। जैसे जीत मिली है बिहार में, माना यही जा रहा है कि उसी की तर्ज पर छोटी छोटी पार्टियों को वो एकजुट करने की कोशिश में है। वहीं बंगाल में बीजेपी के बाद ममता बनर्जी के लिए असदुद्दीन ओवैसी नई परेशानी बन सकते हैं। बंगाल में नजरें गड़ाए बैठे ओवैसी पर ममता ने बीजेपी से मदद का आरोप लगाया है। বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের, খুব হিন্দু মুসলিমদের বলবে ওই ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলমান মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? 2011 और 16 के विधानसभा चुनावों में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था ममता बनर्जी को, लेकिन इस बार वो तंज कसती हुई असदुद्दीन ओवैसी पर। वहीं ओवैसी ने ममता बनर्जी को चुनावी चैलेंज दे दिया है, तो बीजेपी भी कमर कस चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। 19 दिसंबर को वो मिदनापुर जाएंगे, जबकि 20 को बोलपुर में उनका कार्यक्रम होना है। ये देखिए, 2 अलग अलग हिस्सों में, पश्चिमी मिदनापुर का दौरा, जबकि 20 तारीख को बोलपुर जाएंगे अमित शाह। इस दौरान वो किसानों के घर पर खाना भी खाएंगे, इसका भी पूरा का पूरा प्लान तैयार किया गया है। 19 दिसंबर को सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जबकि 20 दिसंबर को विश्व भारती का
दौरा करने वाले हैं अमित शाह और इसके जरिए लुभाने की कोशिश अपने वोटरों की। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को खुदीराम बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करने वाले हैं, जबकि 20 तारीख को लोक गायकों के घर उनका लंच का कार्यक्रम रखा गया है। इसके जरिए पश्चिम बंगाल की जनता में ये बताने की कोशिश की किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके हित को लेकर आगे बढ़ेगी, इसी वजह से उसी हिसाब से उनका पूरा का पूरा प्लान तैयार किया गया है। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हालांकि कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन 2019 में 42 में से 18 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद अब उसके हौसले बुलंद हैं और बीजेपी का बार बार यही दावा है कि अब की बार 200 पार, और इसी वजह से अमित शाह का यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। वहीं बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई है। नड्डा के काफिले में हमले के बाद अब अमित शाह का बंगाल दौरा, ऐसे में बीजेपी ने ममता पर हल्ला बोल की पूरी तैयारी तेज कर दी है। आगे के प्लान और राजनीति पर हिंसा को लेकर हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोहिवाल ने बातचीत की है बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष से, सुनिए। बंगाल में जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही हैं चुनावी, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिलीप घोष, सांसद हैं, अध्यक्ष हैं राज्य के, लेकिन इस समय जो गतिविधियां हो रही हैं, क्या अमित शाह की रैली में या उस समय शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं साथ में भी? मुझे नहीं मालूम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, समय बताएगा, क्योंकि काफी दिन से इस बात चर्चा में है। आते हैं तो हम उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल होकर के भाजपा का संगठन बढ़ाए हैं, जीत में योगदान दिए हैं, और इस प्रकार आगे चलकर बंगाल का विकास में उनका योगदान रहेगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आपकी पार्टी से फोन जा रहे हैं उनके पार्टी के नेताओं को और धमका रहे हैं कि पार्टी ज्वाइन करो नहीं तो जेल भेज देंगे। देखिए, ममता बनर्जी जो बात करते हैं उसमें सच्चाई बहुत कम रहती है। मैं बता सकता हूँ अपने कितने कार्यकर्ता के पास आईपैक का फोन आया है, प्रशांत किशोर जी का कंपनी का, और उनका घर तक आके चाय पी के उनको कन्विंस करने का प्रयास भी किया है, लेकिन किसने किसको फोन किया है बता दे, मुझे लगता नहीं कि भाजपा की तरफ से किसी को फोन करने की जरूरत है, लोग ऐसे ही आने वाले हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि जिस तरह से आने वाले दिनों में जो जा रहे हैं छोड़कर, या तो पैसे ज्यादा हो गए या अपॉर्चुनिस्ट हैं, या फिर इस समय बीजेपी में सिर्फ शामिल होना चाहते हैं, नहीं बदल सकते। जिसका पास पैसा है बोल के चीफ मिनिस्टर बोल रही है, पता नहीं पैसा है कि नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जब मान गई है कि पैसा है उनके पास, जो आरोप पहले से लग रहा था कि टीएमसी के नेता पैसा लूटे हैं, गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाए हैं, चीट फंड का पैसा कमाए हैं, हम बोल रहे थे, लेकिन कौन कौन सा नेता के पास पैसा है नहीं हमें नहीं मालूम, ये चीफ मिनिस्टर को मालूम है, वो बता दे लिस्ट पूरा, और वो सीबीआई को भी दे दे तो कार्रवाई हो जाएगी, भाजपा में आने की जरूरत नहीं है। मीम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अकेली वो जिम्मेदार नहीं है मुसलमान के वोट के लिए, अगर बीजेपी इधर है तो हम भी उधर हैं। नहीं, इस मामले में हमको कुछ बोलना नहीं, टीएमसी मीम कौन क्या करेगा, बंगाल का भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल को परिवर्तन करने और आगे बढ़ाने में सक्षम है, जैसा 18 सीट हमने जीता है विधानसभा में 200 सीट जीत कर दिखाएंगे। अभी उत्तर बंगाल से और कितने लोग आ रहे हैं साथ में, इस पर बात करने एक के बाद एक, जहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है तो वहीं दूसरी ओर सवाल जवाब भी। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, कोलकाता आज तक। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से ही। आपको बता दें, कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, यानी कि टीएमसी उन्होंने छोड़ दी है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मंत्री पद से उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था और माना यही जा रहा था कि विधायकी पद से भी शुभेंदु अधिकारी इस्तीफा देंगे, और फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है, और इसी के साथ ही ममता बनर्जी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई, क्योंकि नंदीग्राम मिद्दापुर के इलाकों में काफी ज्यादा प्रभाव शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी ब्रदर्स का माना जाता है। उनका ये इस्तीफा यकीनन टीएमसी को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि पहले से ही इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन विधायकी पद से फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आपको ये भी बताते चले कि पिछले 27 नवंबर को उन्होंने मंत्रिमंडल से, यानी कि परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए ये कहा था कि मेरी पहचान ये है कि मैं पश्चिम बंगाल और भारत का बेटा हूँ, मैं हमेशा बंगाल के लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। तो टीएमसी विधायक पद से शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा, अब इसी के साथ क्या वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हाल ही में आपको बताते चले शुभेंदु अधिकारी को एमएचए की ओर से बाकायदा जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि दरअसल आगे अगर पश्चिम बंगाल को लेकर जाना है तो अच्छे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में आना ही होगा। इसी वजह से माना ये भी जा रहा है, खबर इस तरह की मिल रही है कि अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान शुभेंदु अधिकारी हो सकता है ज्वाइन कर ले भारतीय जनता पार्टी। मनोज्ञा लोहिवाल मेरे सहयोगी जुड़ चुकी हैं सीधे इस वक्त पश्चिम बंगाल से। मनोज्ञा, आखिरकार जिस बात के कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे थे वही हुआ, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायकी से दे दिया इस्तीफा, और क्या जानकारी है?
बिल्कुल पूरा ड्रामा का अंत हुआ है। मैं इस समय हूँ इस समय असेंबली के सामने, जहाँ एक और लेजिस्लेटिव असेंबली में विधानसभा में आकर उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि एक चिट्ठी दी है, हाथों से लिखी हुई इस चिट्ठी में साफ लिखा था कि मेरा नमस्कार ग्रहण करें और उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि कृपया मेरा इस्तीफा भी ग्रहण करें। इतने दिनों से जिस तरह से कवायद चल रही थी, बार बार ये लग रहा था कि वो कब इस्तीफा देंगे, कब ये बात कहेंगे कि मैं अब दल की विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। अभी तक उन्होंने एक के बाद एक, पहले मंत्री पद से दिया, फिर एचआरबीसी के चेयरपर्सन से दिया और अब विधायक दल से भी, जो अलग हो गए हैं। साथ ही साथ हो सकता है तृणमूल कांग्रेस में भी अपना इस्तीफा अभी कुछ चंद घंटों में ही दे दें, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसी हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे। पिछले 24 घंटों में गृह मंत्री के पूरे कार्यक्रम में काफी फेरबदल किए गए हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि अगर ऐसा हुआ और वो ज्वाइन करेंगे पार्टी तो मिदनापुर में ही करेंगे। मिदनापुर गढ़ माना जाता है शुभेंदु अधिकारी का, पूर्व मिदनापुर हो या पश्चिम मिदनापुर, दोनों में अधिकारी परिवार का दबदबा और वर्चस्व रहा है। और इसके साथ साथ आज जो इस्तीफा दिया है, इससे अब कई और इस्तीफों की शुरुआत भी हो सकती है। तृणमूल को भी ये डर है कि कई विधायक आगे निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं, आवाज तेज हो रही है। जितेंद्र तिवारी हो या ऐसे कई नेता जो अभी तक बार बार अपना वक्तव्य रख रहे थे और एक ओर जहां विरोध कर रहे थे प्रशांत किशोर आईपैक का, तो वहीं दूसरी ओर ये भी कह रहे थे कि दीदी बात कर ले तो हो सकता है बात बन जाए, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है। और एक के बाद एक इस्तीफे का दौर जारी है और वहीं साथ ही साथ तृणमूल से बीजेपी की ओर रुख करने वाले नेताओं का भी। शुभेंदु अधिकारी से हाल ही में अभिषेक बैनर्जी, जो कि सांसद भी हैं और साथ ही ममता बैनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने अपने टीम के साथ मुलाकात की थी और इस बात का बाद में दावा किया गया था कि शुभेंदु अधिकारी को मना लिया गया है, वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन अब उनका ये इस्तीफा और आप बड़ी जानकारी ये भी दे रही है कि बहुत जल्द टीएमसी से भी वो इस्तीफा दे देंगे और फिर अमित शाह के दौरे के दौरान वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। वो कौन कौन से बड़े इलाके हैं और कुल 294 जो सीटें हैं, कितनी सीटों पर ममता बैनर्जी की पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं शुभेंदु? 50 से अधिक, क्योंकि दो मिदनापुर में जो उनका दबदबा है उसी को मिलाकर 50 सीटों का दबदबा है, एक में 19, दूसरे में कम से कम 20 से अधिक। और इन सब को मिलाकर मालदा, मुर्शिदाबाद और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर उन्होंने अपना वर्चस्व रखा है, जहां पर उनकी जगह रही है और जिस तरह से संगठन को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उस सांगठनिक शक्ति के जरिए अगर हम ये कहें कि उन्होंने हमेशा अपनी जगह बनाई रखी है। नंदीग्राम सिर्फ आंदोलन नहीं है, नंदीग्राम एक ऐसा आंदोलन था जिससे टीएमसी सत्ता में आई थी। शिशिर अधिकारी हूँ, शुभेंदु अधिकारी हूँ, दिव्येंदु अधिकारी हूँ, पूरा परिवार जिधर जाता है एक साथ जाता है। 30 वर्षों से उनका कांथी म्युनिसिपैलिटी पर दबदबा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि न सिर्फ सांगठनिक शक्तियां बल्कि एक साथ अगर पूरा परिवार एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, सिर्फ दो जिलों का असर नहीं, उसके साथ ऐसे कई जिले होंगे जहां पर असर होगा। एक बात ध्यान में रखने वाली है, ऐसा नहीं है कि शुभेंदु के विरोधी नहीं है, शुभेंदु के विरोधी तृणमूल कांग्रेस में ही है, लेकिन हो सकता है इसका अगर 100% फायदा ना हो सके तो कम से कम उसे 70% फायदे में बीजेपी बदलने को तैयार। ये जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल ममता बैनर्जी की पार्टी कैसे करेगी, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।